Our Delhi Education Minister Atishi is addressing a press conference currently. Let's go across. हाँ जी शुरू करें। कल सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली पेश हुए। उन्होंने ये कमिटमेंट 3 हफ्ते पहले कोर्ट को दिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया था कि जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा उसके बाद वो खुद फिजिकली अपीयर होंगे कोर्ट में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया, उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी, अब उस पूरे केस पर बहस होगी, अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है, क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा। अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं है, वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया, कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है, एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं,
मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी, उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को दो और समन भिजवा दिए। ये क्या है, ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके दो गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मारपिटाई कर देते हैं, यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। हमने देखा है कि एक एक करके इन मोदी जी के इन दोनों गुंडों ने किस तरह से विपक्ष की एक एक पार्टी को टारगेट किया है, विपक्ष के एक एक नेता को टारगेट किया है। और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया है, तो यह भी समझ में आ गया है कि मोदी जी के ये दोनों तीनों गुंडे ईडी सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे कि पहले उनको भेजा जाता था, उनके समन भेजे जाते थे और फिर कहा जाता था कि अगर जैसे गुंडे जाके हफ्ता मांगते हैं वैसे ही उन कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे मांगे जाते थे। तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी जी के गुंडे हैं, वो सिर्फ मोदी जी के विरोधियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब मोदी जी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अपनी इस ईडी के माध्यम से, अपने इस गुंडे के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैम, सवाल ये है कि जो अब नया समन बता रहे हैं जलबोर्ड से जुड़े मामले, इसमें एक सवाल ये कि कब भेजा और कब पेश होने के लिए ईडी ने कहा है, और ये एग्जैक्टली मामला है क्या ये बता दीजिए। ये मामला जलबोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पर तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो क्या पता दो चार दिन में एक तीसरा मामला खुल जाए, तीसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो कोई चौथा मामला खोल देंगे। देखिए, अगर ये प्रक्रिया कानूनी होती और ये प्रक्रिया जांच के लिए होती, ये प्रक्रिया सच्चाई तक पहुंचने के लिए होती, तो क्यों मोदी जी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो ये केस चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके कंक्लूजन का वेट क्यों नहीं कर सकती है? जब कोर्ट इस मामले को एग्जामिन कर रहा है तो क्यों उनको और समन पे समन भेजने की जरूरत है? वो खुद कोर्ट गए, हम कोर्ट नहीं गए, हम उनके समन के खिलाफ कोर्ट नहीं गए, ईडी खुद कोर्ट गई और अब वो खुद उस कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं। पेश होने के लिए बोला, ये जो जलबोर्ड वाला मामला है और इसको आई थिंक 21 तारीख, आई थिंक 21-22 के आसपास है, वो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी, पर अगले ही हफ्ते पेश होने के लिए दोनों मामलों में भेजा है और दोनों के समन्स कल शाम को आए हैं। चुनाव की घोषणा के मात्र 3 घंटे बाद ये समन अरविंद केजरीवाल जी को भेजे गए। मैम, एक सवाल है, आप लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, अब गिरफ्तार करने की कोशिश है, लेकिन समन भेजने की प्रक्रिया नवंबर से चल रही है, पिछले साल से चल रही है, तब कह रहे थे आप लोग कि विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने देना चाहते हैं इसलिए गिरफ्तार करना चाहते हैं, अब लोकसभा का हवाला दिया जा रहा है। इस देश में चुनाव तो हर महीने होंगे, जांच प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, जांच की प्रक्रिया। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजे,
अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल उठाया कि ये समन लीगल है कि इलीगल है। ईडी खुद उस मसले को लेके कोर्ट गई। तो जब कोर्ट इस मामले की जांच कर रही है समन्स की लीगैलिटी पर, जब कोर्ट ने खुद अरविंद केजरीवाल जी को कल बेल दे दी है, तो कल एक और समन भेजने की क्या जरूरत थी? क्यों मोदी जी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस केस के कंक्लूजन का वेट क्यों नहीं कर सकती है? वो खुद कोर्ट गए हैं, हम तो नहीं गए कोर्ट, वो खुद कोर्ट गए हैं। तो वो कोर्ट जब तक इस मामले को एग्जामिन नहीं कर लेता, अपने फैसले पर नहीं आ जाता, ईडी क्यों नहीं इंतजार कर सकती? क्यों गए वो कोर्ट? तो ये साफ दिखाता है कि उनका मकसद जांच नहीं है, उनका मकसद न्याय नहीं है, उनका मकसद सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वरना जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जब तक कोर्ट खुद इस मामले को एग्जामिन कर रहा है, एक और नोटिस भेजने का क्या लॉजिक? ईडी का ये कहना है कि ये मामला इसलिए कोर्ट में नहीं गया, कोर्ट में इस बारे में फैसला नहीं आना है कि समन लीगल है या इलीगल है, उस पे चर्चा नहीं। आप पांच समन में नहीं गए, ये आईपीसी के तहत 174 के तहत एक अपराध है, उस मामले में आपको जमानत मिली है और ये कहीं से भी रोकता नहीं है कि आगे आप समन नहीं भेज सकते, इसलिए भी वो लोग समन भेज रहे हैं। ये इस पे तो फैसला होगा ही नहीं कि समन लीगल है या इलीगल। इसी पर तो फैसला होगा, और किस चीज पर फैसला होगा? अगर समन भेजना इलीगल है तो नॉन अपीयरेंस बिल में कोई गलती ही नहीं है, वो फिर एक लीगल प्रक्रिया है। अगर समन इलीगल है, यही तो बात पे चर्चा हो रही है। ईडी कह रही है समन लीगल है, हम कह रहे हैं समन इलीगल है। वो कह रहे हैं समन लीगल है इसलिए आपको जाना होगा, हम कह रहे हैं समन इलीगल है इसलिए हमें नहीं जाना होगा। पूरा तो बहस ही इस बात पे है, कोर्ट एग्जामिन ही इस बात को कर रही है, तो फिर क्यों एक और समन भेज रहे हैं? कोर्ट को फैसला कर लेने दीजिए कि समन लीगल है कि इलीगल है, कि समन पे नहीं आना अरविंद केजरीवाल का क्या वो सही है या गलत है, क्या उन्होंने उसमें समन पे ना जाके कुछ गैरकानूनी काम किया है, इसी पे तो कोर्ट फैसला देगी। तो क्यों ईडी इंतजार नहीं कर सकती है? क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है कोर्ट की प्रक्रिया में महीना दो महीना लग जाए, हो सकता है कोर्ट की प्रक्रिया लोकसभा के चुनाव के बाद खत्म हो, और उनको मोदी जी के कहने पे अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार करना है, वरना और क्या मकसद है? वो क्यों कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते? इस बात का जवाब मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को देना। एक और सवाल है लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ, आपके अलाइज है कांग्रेस दिल्ली में, कांग्रेस सीट ऐलान नहीं किया, क्या उससे देरी हो रही है कोऑर्डिनेशन में, कैंपेनिंग में कुछ फर्क पड़ रहा है चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी की? देखिए अभी तो वैसे भी दिल्ली को तो दिल्ली एकदम सेकंड लास्ट फेज में है, 25 मई में है, तो दिल्ली के वोटिंग पे थोड़ा समय है, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कांग्रेस अपनी टिकट अनाउंस करे। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।